हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमाहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 25 मई से लेके 1 ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो हम इसे अपने रीडिंग के लिए रख ही लेते हैं। चलिए और मैसेजेस देखते हैं। मैसेजेस फॉर एरीज, Knight of Swords, Six of Swords, Seven of Cups, The Star and Ten of Pentacles। तो हमारे पास है ये Knight of Swords। Knight of Swords के साथ आई थिंक आप जिससे भी डील कर रहे हैं इस वीक में, ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज्यादा जिद कर सकता है। ये आपसे ये कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को आपको करना ही होगा या कुछ एक चेंजेस आपको करने ही होंगे, अदरवाइज ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक तरह की बेचैनी को भी दर्शाता है। पहले तो ये पर्सन खुद ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ओके, जिससे कि आप उनसे दूर जाएं या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो। आप दोनों शायद बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन अनजान है और नहीं जानता कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। और अब ये सब होने के बाद जब आप अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं या जब आप अपने लिए कुछ और सोच रहे हैं या फिर आप कुछ और चाहते हैं, तो ये पर्सन इरिटेट हो रहा है, ओके। इस नाइट ऑफ सोर्ड्स को लगेगा कि कहीं ना कहीं आप अब किसी भी हाल में और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने वाले, या अब आप और ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, या अब आप उन चीजों को लेके माफी नहीं मांगेंगे या चेंजेस नहीं लाएंगे अपने अंदर उन चीजों के लिए जो आपने की भी नहीं। यानी अगर किसी चीज के लिए पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, तो वो इस बात को आप समझ गए कि सिर्फ इस रिलेशनशिप के वर्क करने के लिए अब आप और ज्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं देंगे। इनफैक्ट नाइट ऑफ सोर्ड्स एक रेस्टलेस सोल को दर्शाता है। यहाँ पे ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो रहा है ये देख के कि आप पहले से अलग अप्रोच अपना रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आप इतने स्ट्रांग हैं कि खुद को एक टॉक्सिक सिचुएशन से दूर कर सके बजाय उसमें एडजस्टमेंट के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं या ये पर्सन आपके लिए अब एक जरूरत बन गया है। ये एक ऐसा पर्सन बन गया जिसे आप अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते क्योंकि आप इन पर इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। वो चीज अब इस पर्सन को नहीं दिखाई दे रही और ये इन्हें थोड़ा डरा रही है। और साथ ही यहाँ सेवन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको रोकने की कोशिश करेगा और अचानक से बहुत स्वीट हो सकते हैं। आई मीन अभी तक तो शायद आपसे बातें भी नहीं कर रहे थे, या कर भी रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपसे काफी रूठा हुआ है या बहुत अपसेट है किसी बात को लेके। आप देखेंगे कि अचानक से ये पर्सन बहुत स्वीट हो जाएगा एंड आपको ये बताने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो आपके लिए परफेक्ट है। पर याद रखें कि सेवन ऑफ कप्स एक इल्यूजन के बारे में है, एक ऐसे सच के बारे में है जो आप देख नहीं सकते या जो अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पीठ पीछे हो रहा है। द स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक बार फिर आप उन्हें फॉलो करेंगे, एक बार फिर आप सारी चीजों को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। मगर फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अब एक्ट करने की जरूरत है। इस पर्सन को लग रहा है कि काफी देर हो गए आपसे बात किए, या कह सकते हैं कि आपके किसी मैसेज का इनको इंतजार हो सकता है, जैसे रिकन्सिलिएशन के लिए या किसी कॉल का इंतजार हो सकता है आपके। एंड उन्हें लगा नहीं था कि इतना वक्त लग सकता है, कभी आप इतना वक्त लेंगे रिस्पॉन्ड करने में या आप उन्हें चेज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी नई बात इस पर्सन को पता चली है एंड इन्हें नहीं पता कि ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक
ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। टेन ऑफ पेंटिकल्स देखकर इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने लाइफ में काफी हैप्पी है एंड इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारा सेलिब्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, या कह सकते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके बिना भी खुश रहना सीख गए हैं, और ये कोई कम बात नहीं है। इन्हें ऐसा लगा नहीं था एरीज कि आप इनके बिना भी खुश रह सकते हैं, इन्हें लगा था कि आप हमेशा शायद इनके बारे में ही सोचते रहेंगे अगर ये आपसे दूर हुए तो। एंड अब उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें गलत साबित कर रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत रेस्टलेस कर देगी, और इसीलिए नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आपका ध्यान खींचने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपको रास्ते में ही रोकने के लिए बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कहीं और जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, और वो ये पर्सन नहीं देखना चाहता। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स। ओके, तो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पॉइंट पे एरीज कि वो आप में अपनी ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। मतलब जो जिद उनके अंदर है, जो डिटर्मिनेशन उनके अंदर है, जो ईगो उनके अंदर है, वो उन्हें अब आप में भी नजर आ रहा है। पहले इन्हें ये चीजें नजर नहीं आ रही थी और इन्हें लग रहा था कि ये सारी चीजें उनके जैसी आपके अंदर नहीं है, पर अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप बिल्कुल उनके बराबर हैं हर तरीके से, और अगर आप चाहें तो आप भी उतनी ही जिद कर सकते हैं, आप भी उतने ही स्ट्रांग हो सकते हैं। और ये सारी बातें इस पर्सन को थोड़ा सा अनॉय जरूर कर रही है, ओके, क्योंकि इसके लिए ये रेडी नहीं है। एंड यहां पे हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एरीज। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है उन चीजों पे फोकस करने का जो आपको खुशी देती है, ड्रीम्स पे फोकस करने का, या हॉबीज पे फोकस करने का, या कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको बहुत थका दिया है। टेन ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे है, आप शायद बहुत थक गए हैं इस रिलेशनशिप में, आप शायद इनके उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, लाइफ आपको अनफेयर लग रही है और आपको लग रहा है कि हर कदम पे इस रिलेशनशिप में आपको लड़ना पड़ रहा है। अगर ऐसा है एवीस तो चारों आपसे कह रहा है कि इस टेन ऑफ वांड्स को छोड़िए, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन उठाएं। फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे है, इस पर्सन को अब इन हालातों में लड़ने दीजिए, इस पर्सन को ये रियलाइज करने दीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एवीस चारों आपको कह रहा है कि आपको होना चाहिए अब प्रैक्टिकल। शायद आप अपने इमोशंस को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ये आपके ऊपर हावी हो रही है, और इतना हावी हो रही है कि सारी चीजें आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। आप ये नहीं कर सकते, या आप वो नहीं कर सकते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते, आप अपनी मन की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप ये रिलेशनशिप खो देंगे। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि चारों आपसे चाहता है कि आप खुद के लिए स्टैंड करें। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गैदर, गैदर का कार्ड एरीज आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको इकट्ठा करना चाहिए खुद के लिए पॉजिटिविटी, खुद के लिए वो सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसका जो भी प्लान है वो यूनिवर्स के पास ऑलरेडी है, एंड आपको इस बारे में सोच सोचकर अपनी नींद गंवाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बस आपसे इतना चाहता है कि जो अभी है उस पर फोकस कीजिए, और खुद पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि तभी आप सही और गलत समझ पाएंगे। ओके, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, अगर हमें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए या दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है तो भी। ओके,
तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।